में कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपकी वजह से बाबा ये घर छोड़कर चले गए, आपकी वजह से सानिया का रिश्ता टूट गया, बस आपकी वजह से माजदा आंटी पूरी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। बाजी आप कैसे बोला आपने? शुक्र बड़ी बाजी, सुना है पुलिस पार्टी आपके डेरे पे गई थी। कोई बात नहीं, जो लोग नेक काम करते हैं उनकी जिंदगी में उल्टा फायदा देते हैं, मैंने भी बोला। माफ कीजिएगा बीबी, आपके साथ ज्यादती हो गई, लेकिन इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है। कंप्लेन दीजिए, ड्यूटी कर रहे थे। मेरी एक इज्जत है इस मोहल्ले में, सब मुझे एहतराम से देखते हैं। पहली बार पुलिस आई है मेरे घर में। अभी जी मैं माजरत ही कर सकता हूँ आपसे। मेरा ख्याल है कि मुझे उस औरत के ऊपर हद तक इज्जत का दावा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, आप चाहें तो हमारे खिलाफ कर सकती हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात समझाने आई हूँ, उस औरत को अच्छी तरह से समझा दे, मेरे घर के करीब ना आए, वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इज्जत का समझौता नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपके बेटे की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। मिर्गी में इंसान होश खो बैठता है, भाभी को चाहिए उसे छत पर मत जाने दे, सीढ़ियां खतरनाक हो सकती हैं। अल्लाह का करम है बच गया। आपको ये सब कैसे पता? अल्लाह जिसे चाहे इल्म अता करता है। खैर आपकी बात छोड़ें, आप उसको लेकर आएंगे इतना मैं दुआ करता हूँ। भाजी मेरी तो बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। ले आइएगा उसे किसी वक्त, अब बेहतरीन वक्त वो होगा जब उसकी तबीयत खराब होगी, वो ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो? जी हाँ समझती हूँ मैं आपको कसूरवार। आपकी वजह से सानिया घर छोड़कर चली गई अम्मी, आपकी वजह से उसका रिश्ता टूट गया, किसको समझूं मैं कसूरवार? हानिया तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? अम्मी आप तो जादू के जरिए सर है ना, किसी भी दिन आप हमें कत्ल कर देंगी। चलो हमें नहीं डरना।
हानिया बेटा, यहाँ बैठी हो? बस बेटो, बात ही करनी है तुमसे कि तबीयत सही नहीं है उसकी, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम उसका ख्याल रखो, वो तुम्हारा। ये तो नहीं कह रहा कि उसकी माँ की जगह दो, लेकिन तुम उसका ख्याल रखो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। बहुत अच्छी औरत है। जी बाबा। तुम एडजस्ट कर गई हो? अच्छा बेटा, कोई 19-20 कोई बात हो भी जाए ना, तो दरगुजर करना उसको, भूल जाना उसको। प्रेग्नेंट है इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा। बाबा बस अलीना परेशान है, मैं तो ट्राई कर रही हूँ। सानिया का कुछ पता चला? नहीं, नहीं पता चला। बस कि तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। हमारी मदद करना आपका फर्ज है, बेटी है वो मेरी। अब तक आप लोगों ने किया क्या है? कुछ नहीं। शोर तो ना करें, थाना है ये, अभी हम जो कर सकते हैं वो कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मैंने आपको बताया था ना, उस औरत ने मुझे धमकियां दी हैं। मुझे यकीन है कि सानिया उसके कब्जे में। क्यों उस मासूम औरत पे इल्जाम लगा रही है? सारे इलाके के लोग इज्जत करते हैं, अतः की इज्जत का दावा कर सकती है और मुझ समेत हम सबको कोर्ट में भी घसीट सकती है वो। और आप डर जाएंगे, इसलिए तो पुलिस बदनाम है। आप जैसे लोगों की वजह से लोग पुलिस पर एतबार नहीं करते। ओ बेटा जी, समझाएं इन्हें, हम उसूलों से बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर वाकई उस औरत ने कोई धमकी दी है तो पर्चा कराएं भाई, FIR कटवाएं। लेकिन अगर बाद में पता चला ना कि आपकी बेटी किसी के साथ भागी है, इंस्पेक्टर साहब, तो बेइज्जती आपकी ये होगी। आंटी प्लीज बैठे, बैठे आंटी बैठे प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, वो सानिया के फोन का डाटा तो मिल सकता है ना? दरख्वास्त दी है ना आपने, अदालत का ऑर्डर होगा तो डिटेल दिल्ली मिल जाएंगी। और तब तक आप उस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आखिर उसकी दुश्मनी क्या है आपसे? है दुश्मनी, वजह नहीं बताई दुश्मनी की। जब मैं कह रही हूँ दुश्मनी है तो है, और उस औरत ने मुझे धमकियां भी दी हैं। मुझे नहीं रहना यार। Ha!
हाल है इससे इससे निकलती हूँ कितने दिन तक निकल आता है आपको ये तो पता होगा लगे लगे दो तीन दिन लगेंगे हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए ये तो अदालत के ऊपर है जी जैसे होगा बता देंगे आपको अभी देखो बहन मेरी मैं भी बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ तुम्हारी परेशानी समझता हूँ लेकिन ये काम जो है ना जज्बात से नहीं होते मेरा तजुर्बा है 90% केसों में वो लोग जो धमकियाँ देते हैं वो कार्रवाई नहीं करते कार्रवाई वही लोग करते हैं जो आप पर एतबार करते हैं तो हम पर भरोसा करें सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते माफ कीजिएगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है अगर उस औरत ने वाकई कोई धमकी दी है तो कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी वैसे लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं सुना है काफी लोगों की मदद भी करती है ढोंग करती है एक्सक्यूज मी हाँ भाई क्या हाल है उसका हाँ आंटी मेरे ख्याल में ये लोग कुछ नहीं करेंगे मेरे एक वकील दोस्त है उसके थ्रू एप्लीकेशन भिजवाते हैं उसका डेटा निकला है यहाँ कोई काम नहीं बनेगा हमारा चले एक मिनट रुको हमसा क्या है आप ही मैं बोर हो रही हूँ मैं कार्टून देख लूँ तू पागल हो इस टाइम कार्टून तो क्या हुआ बस थोड़ा सा देखूंगी मैं बहुत बोर हो रही हूँ आप ही प्लीज प्लीज नहीं देर थोड़ी देर बस हाँ चल मैं पहले वॉशरूम जा रही थी हाँ क्या कह रहे थे तुम नहीं फिर मैं वहां से निकल आया आंटी को यही मशवरा दिया कि अंकल को सब बता दे तो तुम उनके साथ नहीं जाओगे जा तो नहीं सकूंगा लेकिन हाँ कल कॉल करूंगा अम्मा कैसी हैं उदास थी हानिया तुम्हें इस तरह उन्हें छोड़कर आना नहीं चाहिए था हमजा उनका अकेले रहना जरूरी था समटाइम्स अपनी गलतियों का अंदाजा लगाने के लिए तन्हाई बहुत जरूरी होती है की वीडियो कॉल करी कोई जरूरत नहीं इतने दिन हो गए हैं तुम्हें देखा नहीं अच्छा बस एक मिनट के लिए करो थैंक यू
तो ये नया कमरा है तुम्हारा? ये है मेरा अलीना का रूम, बट पता है यहाँ नींद नहीं आती, अपना घर अपना ही होता है। तुमने अपना क्या हुलिया बनाया वे? अच्छा ही हुआ मेरे हुलिये को। अच्छा? अच्छा बताओ फातिमा आंटी कैसे हैं? उदास है दोनों। हानिया? तुम उस लड़के से बात कर रही हो ना? बाबा लड़की एक बात सुन लो, तुम अपनी माँ के घर पे नहीं हो, तुम मेरे घर पे हो, अपने दायरे में रहो। तुम वो हमजा अम्मा के पास गया था। इतनी परवाह है तुम्हें अपनी अम्मी की ना, जाओ से घर चली जाओ। तुम यार आना है तो तमीज से रहो। हाय फोन दो मुझे, फोन दो। अब उस लड़के के करीब भी दिखाई दी ना तो मुझे, तो हानिया मैं तुमसे जबान से बात नहीं करूंगा, समझे तुम? स्कूल जाने ना, सो जाओ। आप रोई तो मत। चलो ना। तुम्हें सुंबुल याद है? सुंबुल? कौन सुंबुल? सुंबुल इकराम शम्स, क्लास फेलो होती थी हमारी यूनिवर्सिटी में, जो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। हेलो जी बहन, हमें एक एक्सीडेंट शुदा लड़की की लाश मिली है और मैं चाह रहा था कि अगर आप आके उसको देख लेंगे, आपकी बेटी तो नहीं है? मैं आपके घर के दरवाजे के पास ही खड़ा हूं। जी जी मैं भी आई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हमजा। बेटा
सानिया का कुछ पता चला? दरअसल आंटी मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा, मैं समझी कि लगता है आंटी मैंने आपको नींद से उठा दिया। I'm really sorry. नहीं बेटा, जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती मुझे सोना नहीं चाहिए। आंटी मेरी हानिया से बात हुई थी। कैसी है हानिया? मेरी अलीना कैसी है? वो लोग ठीक है। बता रही थी कि जब से बाबा के घर आए हैं कोई अजीब वाकयात नहीं होते। चलो मुझसे दूर जाके वो लोग सुकून में तो आए। हानिया आपका पूछ रही थी आंटी, और सानिया के लिए भी बहुत परेशान थी। जाहिर है बेटा, किसी को बताए बगैर वो चली गई, कोई बात भी नहीं हुई तब से। जरा सी उसकी खैरियत की इत्तला मिल जाए तो दिल को सुकून आ जाए। हमजा, बेटा किससे बात कर रहे हो? वो हजरत साहब से। दुआ के लिए हमजा, अब तुम किसी जन्नाती के चक्कर में नहीं पड़ जाना। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा कुछ खोने के लिए। आप फिक्र ना करें, हिम्मत करें, मैं कहीं नहीं जाने वाला। प्लीज तुमसे आज बहुत जरूरी बात करनी है। सानिया का पता चला? मैं तुमसे सानिया के अलावा कोई बात नहीं करना चाहता। और मैं सानिया के बारे में ही बात करना चाहती हूँ।
जुनैद प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मदिया मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे परेशान मत करो। तुम परेशान ना करो जुनैद, हमें परेशान होना है, हमारी बेटी गायब है। वो घर छोड़ के नहीं गई है, तुमसे नाराज होकर चली गई है, आ जाएगी। जुनैद तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हमारे घर पे जादू हुआ है, हम लोगों के बीच नफरतें डाल दी गई है। तुम्हें सुंबुल याद है? सुंबुल? कौन सुंबुल? सुंबुल इकराम शम्स, क्लास फेलो होती थी हमारी यूनिवर्सिटी में, जो तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। कुछ कुछ तो याद है, इतने साल पहले की बात है, उसका जिक्र यहाँ से कहाँ आ गया? उसका क्या ताल्लुक है सब किससे? वही तो है जो सिफली इल्म करके हम सबसे बदला ले रही है। उसके दिल में आज तक इंतकाम की आग जल रही है। प्लीज जुनैद मेरी बात सुन लो, मुझे पक्का यकीन है कि सानिया उसके पास है। मदिया ये क्या नई बकवास शुरू कर दिया तुमने? अरे इतने साल पहले की बात है, तुमने अभी तक इस बात को अपने दिल में रखा उस लड़की के खिलाफ, और वो भी मेरी खातिर करेगी ये सब कुछ? हो हेलो जी सर, आपका जमील साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे उनको उनको भेज क्यों नहीं रहे? मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ यार। जी जी भेजो उनको फौरन। जी जी बिल्कुल ठीक। अपना जहन खोलो तो भूल जाओ ये सब खुराफात, कोई जादू वादू नहीं होता। ये सानिया तुमसे नाराज होकर चली गई है, किसी सहेली के घर गई भी होगी, कपड़े पहन के सारे कपड़े लेके गई है, बड़े प्लान करके गई है। इसका मतलब है कि कोई उठा के नहीं ले गया उसको, अगवा नहीं हो गई है, वो आ जाएगी वापस। हमने सारी सहेलियों से पूछ लिया है, वो कहीं भी नहीं है। मदिया मेरी मीटिंग है, मुझे मीटिंग करने दो, मिलना है बहुत जरूरी। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे मिजाज है? ठीक है आप? ये मेरी वाइफ मदिया, दिस इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड फेमी, इन्हीं से मुलाकात थी। आइए आपको बोर्ड रूम ले चलो, तो कुछ चाहिए हो तो फोन कर दो। ये मेरा हो गया, दिखाओ पेंसिल दो। आपी मैं आपको एक बात बताऊं? आपको याद है जब मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला था? याद है, लेकिन तुम क्यों ये बात कर रही हो? आपी वो सारा होमवर्क मैंने नहीं किया था, पता है आपको? तो किसने किया था? अंतोष ने। कौन है अंतोष? आपी वो किसी को नजर नहीं आती थी, मेरी दोस्त बन के घर पे रहती थी छुपकर। क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। आपको पता है वो सारी बातें शमाइल आंटी से अंतोष ने करी थी। और वो डर के चली गई थी और उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया था।
लेकिन तुमने तो ये कहा था ना कि वो अम्मी ने कहा। संतोष ने मुझे कहा था अगर मैंने किसी को भी बोला तो वो घर के सारे लोगों को मार देगी। अम्मा का कोई कसूर नहीं था, फिर भी उनसे सारे नाराज हो गए। मुझे उनकी याद आ रही है। बहुत याद आ रही है अम्मा की। अम्मा के पास जाना, उनकी कोई गलती नहीं थी, सब संतोष ने किया था। हमजा मियां इस काम को करने में अपने ऊपर बड़ी कुदरत दरकार होती है। बेटा जब तुम किसी को कुछ देना चाहो सबसे पहले उस चीज का आपके अपने सर में होना जरूरी है। लेकिन मुर्शद उनकी बड़ी बेटी खो गई, छोटी बेटी अपने वालिद के पास है, आंटी बिल्कुल तन्हा है। ऐसी हालत में अगर आपने उनकी मदद ना की तो कोई तो करेगा, और मैं जरूर करूंगा उनकी मदद चाहे जो भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा हम आपको वजीफा देते हैं, आप शुरू करें, हम भी कोशिश करेंगे, बस कोशिश करेंगे कि हमें भी इजाज़त मिल जाए मदिया बहन की, हम भी मदद करें। अल्लाह उनकी बेटियों के साथ हिफाजत का मामला फरमाए। बड़ा अजीब दौर है बेटा। लगता है ईमान कमजोर पड़ गया। बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई। ये ना तुम याद रखो सो, ये जो घिनौना काम तुम मुझे करने पर मजबूर कर रही हो ना, इसका गुनाह सिर्फ तुम्हारे सर पे होगा। हाँ हाँ, सारे गुनाह मेरे सर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये बता मेरा काम कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो जिंदा है। फिर मेरा शक सही था, तुमने ही उसको अफवाह किया, वो तुम्हारी कैद। मुझे किसी को अखबार देने की जरूरत नहीं पड़ती बदिया, लोग खुद चलकर मेरे पास आते हैं। वो खुद आई थी मेरे पास, लोग मेरी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तुम नहीं आई मेरे पास, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। अपना काम निकलवाने के लिए तुम झूठ भी बोल सकती हो, मुझे सबूत चाहिए। मुझे सबूत चाहिए कि मेरी बेटी जिंदा है, कि वो ठीक है। मुझे सबूत दो। तुम्हारी बेटी को मैंने बहुत हिफाजत से रखा, क्या करें, जमाना बहुत खराब है, लड़कियों की हिफाजत खुद करनी पड़ती। सानिया बेटा देखो कौन आया,
अब तुम ऐसे तभी बोलोगी जब तुम मेरा काम करोगी। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते मेरे बच्चे मुझे वापस, मेरी सानिया को आजाद कर दो। नहीं सुन, भूखा नहीं है। संभालो मदिया, सानिया बिल्कुल ठीक है। तुमने सानिया को देख लिया, वो ठीक है, आज ठीक है, तो आगे जाके भी ठीक रहेगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा काम करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, अगर सानिया तुम्हें नजर नहीं आ रही हो तो जिसे भी मदद के लिए लाओगी उसे भी नजर नहीं आएगी। अब ऐसे हालात में अगर कोई शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो खुद तुम। मैंने आंटी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना, वो किसी को बाजी कह कर पुकार रही थी। वो ने ये कह रही थी कि मुझे कोई ऐसा वसीफा बताओ कि हम इस घर से दफा हो जाएं।